ये वाला क्वेश्चन बोरिक एसिड के बारे में, 8% बोरिक एसिड डाइल्यूटेड टू 2% बोरिक एसिड। तो इस जगह पे 8% बोरिक एसिड 2% बोरिक एसिड, यहां पे 640 लीटर है, हमने वाले एक्स पार्ट से एक्स लीटर लिया, कितना बेटा 2% वाला। तो इससे क्या होगा, जो 640 प्लस एक्स हो जाएंगे, और यहां पे बोरिक एसिड का जो परसेंटेज होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन 8% बट लेस देन 2%। अच्छा सेंड कर दिया, ओके अभी चेक कर रहा हूं, क्वेश्चन इज क्लियर, यस और नो? क्वेश्चन इज क्लियर बेटा? यस। तो यहां पे देखो जो एसिड बोला था, एसिड कहां से है, इससे 8/100 × 640 प्लस 2/100 × x, दिस विल बी ग्रेटर देन 4% and 6%, ओके सॉरी, ये 4% 6%, ओके ओके, तो ये होगा 4/100, 640 + x, और ये होगा 6/100, 640 + x, ओके 100 कैंसिल कर दो, 4 × 640 + x लेस देन 8 × 640 + 2x लेस देन 640 + x। दो तरीके से सॉल्व कर लेंगे, 4 × 640 + 4x लेस देन 8 × 640 + 2x, ये इधर गया तो 2x, 8 × 640 4 × 640 उधर गया तो कितना होगा 4 × 640, तो x इज लेसर देन 4 × 640/2, 2 हो जाएगा, तो x इज लेसर देन 80 1280। दूसरा केस में 8 × 640 + 2x इज लेस देन 6 × 640 + x, तो 8 × 640 + 2x 6 × 640 + 6x, ये 2x है 6x, 8 है 6 है, तो 2 × 640 इज लेस देन 640 6x हो गया, इधर पे क्या आया 4x आया, ओके, तो x इक्वल टू 2 × 640 / 4, तो x का वैल्यूज हुआ ग्रेटर देन 320 लेस देन 1280। ठीक है बेटा, हाँ बेटा यही है, 320
एंड 1280। तो लास्ट में स्टेटमेंट लिखेंगे, देयरफॉर 2% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी ग्रेटर देन 320 लीटर बट लेसर देन 1280 लीटर। इज इट क्लियर बेटा? येस और नो? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? यस।